एवरीवन, हेलो टीचर्स, 717 थेरेपी, आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देखो, इसकी एनर्जीज नेक्स्ट 7 डेज तक रहेगी। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप लोग के साथ क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। आपके हेल्थ के लिए क्या मैसेज है, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, जो भी यहाँ पर मैसेजेस आते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। एंड नेक्स्ट 7 डेज जो एनर्जीज है वो बहुत ज्यादा लंबी एनर्जीज नहीं है ना, ये एक प्रेजेंट की ही एनर्जीज है। तो आपको आज क्या करना है, आज ऐसा आप क्या कर सकते हो जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए, जिससे आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ो, तो ये चीज यहाँ पर देखेंगे। सो दो ऑप्शन है आप लोग के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पर क्लैरिटी। तो इन दोनों में से जो भी कार्ड आप लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जिससे भी आप ज्यादा कनेक्ट कर पा रही हो, उसको आप अपने लिए चूज कर सकते हो। और इनके टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीजें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय का कार्ड चूज किया है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है ये, मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है, और आप किसी भी एज ग्रुप से हैं तो भी इस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। बस मन ही मन डिवाइन से प्रेयर जरूर करनी है आप लोगों को कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, ठीक है। सो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि अभी हाल फिलहाल में करंटली आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। फाइव ऑफ कॉइंस, द सन, स्ट्रेंथ। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हो, है ना, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहे हो, मुझे ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन शायद जितनी आप लोग मेहनत कर रहे हो उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, या उतनी आपकी सैलरी नहीं है, या उतना यहाँ पर आपकी इनकम नहीं है। तो थोड़ी बहुत यहाँ पर एंजाइटी भी मन में आती है कि मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, पता नहीं कब तक सारी चीजें ऐसे ही चलेंगी, पता नहीं कब तक सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो लिटिल बिट, वैसे आप लोग खुश मिजाज वाले इंसान होंगे, पॉजिटिव रहने वाले पर्सन होंगे, हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ लेते होंगे, खुशियां ढूंढ लेते होंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पर ना कुछ कुछ टेंशन चल रही है, कुछ कुछ परेशानी चल रही है, या फिर से थोड़ा सा बॉडी में लेजीनेस है, या फिर से थोड़ा सा जॉइंट पेन है, या आप सम टाइम कहीं पेन फील कर रहे हो अपनी बॉडी में। तो यस, यहाँ पर कुछ कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ कुछ चीजें आपको एंजाइटी दे रही हैं, कुछ कुछ चीजें आपको स्ट्रेस दे रही हैं। अपनों की बहुत ज्यादा इस वक्त आप लोग फिक्र कर रहे हो, अपनों को लेकर आप थोड़े से परेशान हो। कुछ लोग यहाँ पर पास्ट को सोच सोच के बहुत परेशान हो रहे हैं। तो वैसे आप लोग बहुत पॉजिटिव पर्सन हो ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन यहाँ पर यही नजर आ रहा है कि अभी हाल फिलहाल में कुछ चीजें आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दे रही हैं, और आपको भी नहीं पता कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है ना। देखते हैं यहाँ पर अभी नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, एंड टू ऑफ वंड्स, एंड सेवन ऑफ वंड्स। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक द फुल कार्ड की एनर्जी है। तो नेक्स्ट 7 डेज यहाँ पर देखो, आपको वो चीज फेस करनी पड़ेगी शायद जो आप फेस करना नहीं चाहते। कोई रियलिटी आपके सामने आ रही है, कोई सच आपके सामने आ रहा है, और शायद किसी चीज से, किसी लाइफ के किसी पहलू से आप लोग शायद भाग रहे थे, आप लोग सोच रहे थे, आप लोग टाल रहे थे, लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में आपको किसी सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। मुझे ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है, और किसी चीज को ना, जैसे अब आप और ज्यादा पोस्टपोन नहीं कर सकते, अब आपको वहां पर डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब आपको किस तरफ जाना है, अब आपको किस चीज पर फोकस करना है, अब आपको किस चीज पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको शायद ना चाहते हुए भी कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे। ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ नेक्स्ट 7 डेज में। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि थोड़ा सा
थोड़ा सा प्रेशर या कुछ करना पड़ रहा है, मन नहीं है लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए क्या देख रही हूँ कि शुरुआती में आपका मन नहीं है, जैसे सपोज फैमिली से प्रेशर आ रहा है कि तुम जाओ वो ऑफिस को ज्वाइन करो, वो जॉब को ज्वाइन करो, आपका मन नहीं है, आप कर रहे हो उसे बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बिकॉज एक्सपेंसेस हैं, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब आप उसको कर रहे हो धीरे धीरे आपका मन लग रहा है ना। साथ में मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, यस अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, फ्रेंड्स हैं, कजिन हैं, कुछ रियलिटी भी साथ में आप लोगों के सामने आ रही है ऑप्शन टू, और आपसे कहा जा रहा है कि देखो आपको प्रिपेयर रहना है, आपको तैयार रहना है और आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। कभी कभी कुछ सिचुएशन हमारे सामने ऐसी आती हैं लेकिन वहां पर फिर हम डिसीजन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, देन चीजें ठीक हो जाती हैं, है ना। तो बस ये चीज यहाँ पर कही जा रही है कि आपको थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है यहाँ पर, ये बदलाव का वक्त है, ये चेंजेस का वक्त है। ओके और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, थोड़ा सा यहाँ पर ये जरूर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको हैवीनेस फील हो, आपको प्रेशर फील हो, थोड़ा सा आउटिंग कर लेना, आपको ही कोई जगह जाना पसंद है, बहुत दूर नहीं जा पा रहे, अपनी सिटी में ही कहीं घूमना पसंद है, कहीं जाना पसंद है, थोड़ा सा जाओ, आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फील होगा, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। इसके साथ में है यहाँ पर लाइट, प्रस्पेरिटी बिगिंस एंड क्राउन चक्रा। देखो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ना यहाँ पर अकेला फील कर रहे हैं, हालांकि आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप लोग अकेला फील कर रहे हो, अधूरा फील कर रहे हो, कुछ लोग लॉस्ट फील कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर कहा जा रहा है लेकिन जिस दिन तुम अपने आप को रोशनी से जोड़ लोगे, जिस दिन तुम अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्टेड समझोगे, जिस दिन तुम ये समझोगे कि तुम इस यूनिवर्स का ही एक हिस्सा हो, वो रोशनी तुम्हारे ही अंदर है, वो डिवाइन तुम्हारे ही अंदर है जिन्हें तुम बाहर ढूंढ रहे हो, उस दिन ये अकेलापन आपका खत्म हो जाएगा और यहाँ से शुरुआत होगी फिर आप लोगों की लाइफ में एक नई जर्नी की। इन द फूल का कार्ड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक था, है ना, तो ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। तो नेक्स्ट 7 डेज तो नहीं है लेकिन यस मुझे यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज तक की एनर्जीज नजर आ रही है आप लोगों के लिए, कि कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि भाई सब मोह माया है और लाइफ की रियलिटी तो ये करने में, खुशी तो ये करने में है ना, तो वैसे आप अपनी लाइफ के पर्सपेक्टिव को बदलोगे, ये चीज जो है मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ लोगों की बहुत हेल्प करें, कुछ लोगों की बहुत मदद करें, वहां से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल जाए तो आपका थोड़ा सा भरोसा उठेगा लोगों पर से, चीजों पर से, और ये सारा जो विश्वास है, भरोसा है, वो डिवाइन की तरफ जाएगा, हीलिंग की तरफ जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा, ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अच्छा यहाँ पर प्रोस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड है, मैसेज मुझे ऐसे मिल रहा है कि देखो आपकी लाइफ में ना आपका अच्छा समय जैसे शुरू होने वाला है ऑप्शन फर्स्ट, और अब आपको आपकी मेहनत का फल भी मिलेगा, आपके इंतजार का फल भी आपको मिलेगा, और यहाँ से प्रोस्पेरिटी आ रही है भाई आपकी लाइफ में, अबंडेंस आ रही है। यहाँ पे फाइव ऑफ कॉइन्स लैक को बता रहा था, लाइफ में कमी है, लैक है बहुत सारा, लेकिन यहाँ पे प्रोस्पेरिटी क्या बता रही है कि सब कुछ भरपूर है, तो वो चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। और देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं ऑप्शन फर्स्ट, फिनिक्स राइजिंग। रिलीजिंग कॉन्स्टेंस, सी फिनिक्स की जो एनर्जी होती है ना, ये अपनी एशेस से ही दोबारा से जन्म लेते हैं बेसिकली, आपने देखा हो तो, मैंने तो हैरी पॉटर में देखा था पहली बारी और तभी से मुझे याद है, तभी से मुझे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा कनेक्शन फील हुआ था फिनिक्स के साथ। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज क्या है कि कभी कभी हमें लग रहा होता है कि हमारी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा, बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन वहीं से एक नई शुरुआत होती है, वहीं से एक न्यू बिगनिंग होती है, वहीं पे कुछ आपके लिए नए पोर्टल्स ओपन होते हैं, और ये वाला जो अभी आपकी लाइफ में पोर्टल चल रहा है, यहाँ पर जो चीजें आपकी लाइफ में चल रही है, यहाँ पर है सोल रेडियंस, सोल का एक्सपेंड होना, है ना, जो भी लाइफ में इल्यूजन्स थे उनका एंड होना और जीवन का रोशनी से, लव एंड लाइट से भरना, ये कहीं ना कहीं इस वक्त प्रोसेस चल रहा है। तो जो भी चीजें अभी हाल फिलहाल में आपके जीवन में हो रही हैं वो आपको लव एंड लाइट तक ही लेकर जा रही हैं अल्टीमेटली,
ये समझ लीजिए आपका पाथ क्या है, लव एंड लाइट का। तो अब यहाँ पर मुसीबतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं, ये सब आपको लेकर लव एंड लाइट तक ही जाएंगे। और ये आपको शायद अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, ये शायद आपको कुछ समय बाद समझ में आएगा कि यस, जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ। वो तब नहीं होता तो जो मैं आज हूँ मैं वो नहीं होता, या मैं वो मैं नहीं होती। यहाँ पर बहुत सारे लोग के लिए मुझे करियर चेंज नजर आ रहा है, करियर पाथ चेंज हो रहा है, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से ऑप्शन फर्स्ट आप लोग गुजर रहे हो। यहाँ पे है रिवर ऑफ ब्लेसिंग्स रिलीजिंग कॉन्स्टेंट, सो यहाँ पर भाई ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ आ रही है। मैसेज मुझे ये मिल रहा है यहाँ पर कि आप कभी भी अकेले नहीं हो भाई, एक हायर पावर आपके पीछे है, आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपने मन से डर को निकाल दो, अपने मन में से जो अननोन फियर्स हैं वो निकाल दो, मेरा क्या होगा। आप लोग डिवाइन चाइल्ड हो ऑप्शन फर्स्ट, और ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। आपको यहाँ पर वो जो बैरियर्स आ रहे हैं ना आपके रास्ते में, वो रिलीज करने पड़ेंगे। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है तुम आगे बढ़ते जाओ और तुम्हें रास्ता मिलता चला जाएगा, लेकिन तुम यहीं बैठ के डाउट करोगे, सोचोगे होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, चलो मैं हील करती हूँ, मैं कितने दिन में हील हो जाऊंगी, मैं होंगी कि मैं नहीं होंगी। अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। वो स्पिरिट अंदर से आनी चाहिए कि क्यों नहीं होगा, एक शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, तो वो मुझे क्यों नहीं हील करेगी, राइट? लेकिन हीलिंग के लिए हमें तैयार होना पड़ता है भाई। तो यहाँ पर आपको कुछ अपने बिलीफ चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है? ये चीजें यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और फिर लास्टली आपकी देखेंगे कि हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर 1919 नंबर की एनर्जी है, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर भी 19 है, यहाँ पर 1 है। सन, सन के साथ कनेक्ट करो। ऑप्शन फर्स्ट, सन के साथ कनेक्ट करने में आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलेगी। सन एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, ये चीज कहा जा रहा है। उगते सूरज में बैठो, जो रेड सन होता है ना उस लाइट को ऑब्जर्व करो, सॉरी एब्जॉर्व करो अपने अंदर, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है? और यस, कुछ चैंटिंग वगैरह जरूर करो डेली बेसिस पे, आपको शक्ति मिलेगी उनसे, आपको हिम्मत मिलेगी। साथ में आप लोग सन स्टोन को वेयर कर सकते हो, सन स्टोन वो आपको सन की एनर्जी देता है बेसिकली, वो क्रिस्टल, तो आप सन स्टोन को अपने लिए वेयर कर सकते हो, प्रोस्पैरिटी का भी क्रिस्टल है। और लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप लोग अपने लिए ले सकते हो, सन स्टोन आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? यहाँ से देखते हैं और फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, यस कुछ चीजें यहाँ पर भाई अपना क्लोजर, अपना एंड हो रही है, कुछ चीजें, कुछ रिश्ते, कुछ प्रॉब्लम्स जो कि आपकी लाइफ में चल रही थी उनके सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो कुछ चीजें यहाँ पर थोड़ी सी रहेंगी सी, अगेन वही कार्ड, ए पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। अब चाहे कुछ चीजों को फेस करने के लिए अभी तैयार नहीं हो, कुछ रियलिटीज को, कुछ चीजों को, लेकिन वो चीजें यहाँ पर हो रही है भाई आप लोगों की लाइफ में। ऑप्शन फर्स्ट, और आपसे कहा जा रहा है कि आप भी, मुझे कहा जा रहा है यहाँ पर आप लोगों के लिए कि आप वो डिपेंडेंसी छोड़ें, जो दूसरे लोग के ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाते हो समहाउ इमोशनल या किसी भी तरीके से मेंटल लेवल पे, तो आपको वो डिपेंडेंसी से बाहर निकलना है, आपको एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में शिफ्ट करना है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कुछ चीज़ों का यहाँ पर वही क्लाइमेक्स है, कुछ चीज़ें यहाँ पर अपने क्लोजर पे हैं, तो कुछ चीज़ों को होने से आप लोग नहीं रोक सकते। ऑप्शन फर्स्ट, आप दूसरों के डिसीजंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ चीजें नेक्स्ट 7 डेज में थोड़ी सी ड्रामेटिक आप लोगों के साथ रह सकती हैं। मैंने कहा ना, आप शायद वो नहीं चाह रहे हो, लेकिन वो फिर भी हो रहा है आपके साथ। और वो हो क्यों रहा है? क्योंकि वो जरूरी है, उस चीज का एंड होना, उस चीज का खत्म होना, वो जरूरी है, तभी तो एक नया चैप्टर शुरू होगा ना। तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। लास्टली देख लेते हैं आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। और ये केवल ऐसा नहीं है कि ये वाले जो हेल्थ के मैसेजेस आएंगे आपको केवल नेक्स्ट 7 डेज तक फॉलो करने हैं, नहीं, ये आपको करते रहने हैं, ठीक है? सो भाई यहाँ पर कहा जा रहा है कि वैसे वैसे सच मुझे कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, लेकिन जो थोड़ा बहुत आपकी बॉडी में लेजीनेस हो रही है,
जो चीज़ें चल रही हैं वो इस वजह से चल रही हैं बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपके आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है, आपका रूटीन सही नहीं चल रहा है। तो आप बस अपना थोड़ा सा ख्याल रखो, अपने रूटीन को अच्छा करके रखो, सही तरीके से अपना डाइट लेनी है, अब चीज़ों को फॉलो करना है तो सब कुछ सही रहेगा। दूसरा यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, गो गेट सेकेंड ओपिनियन एंड री थिंक योर ऑप्शंस। तो कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हमने सपोज कुछ सोच रखा है कि ये सही है या ये करना सही है या मुझे इस पाथ पे चलना है, तो हम लाइफ में रिजिड नहीं हो सकते, हम फिक्स नहीं हो सकते कि अब तो जो है बस यही है। हमें समय के साथ, जरूरत के साथ खुद को बदलना पड़ता है, ऑप्शंस को बदलना पड़ता है, अपनी ओपिनियंस को बदलना पड़ता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बदलने से मत घबराओ। समय के साथ बदलाव जरूरी है ना, बस वही यहाँ पर कहा जा रहा है। सेकेंड ऑप्शन की तरफ जाओ, आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर जरूर रखना। बहुत हेडेक ले रहे हो इस वक्त, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, आप लोग मेडिटेशन जरूर करो, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पर कहा जा रहा है वेलकम सीजनल फूड, तो जो भी सीजनल फूड हो आप लोग वो जरूर कंज्यूम करें, जरूर अपनी डाइट में शामिल करें, आपको उनसे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ठीक है, फ्रूट्स हो गए या जो भी वेजीज हो गए, जरूर से आपको अपनी डाइट में वो शामिल करना है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, रीडिंग अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने क्लैरिटी का कार्ड चूज किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, सारी चीजें देखेंगे यहाँ पर। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स, ऑप्शन टू, रिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप लोग कभी भी देख सकते हो, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, साथ में किसी भी एज ग्रुप से हो तो भी इस रीडिंग को आप लोग अपने लिए देख सकते हो। सो देखते हैं यहाँ पर कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज। सबसे पहले आप लोग की थोड़ी सी करंट एनर्जीज देख लेते हैं कि अभी हाल फिलहाल में आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ऑप्शन टू, प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, द टावर, फोर ऑफ कॉइंस एंड थ्री ऑफ सॉट्स। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन टू, अगर मैं बात करूँ कि आपकी लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, कुछ चीज़ें जैसे आपने सोचा था कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, ऐसे ऐसे सब कुछ हो जाएगा, चीज़ें वैसे नहीं हुई, अब कुछ प्लान्स आप लोगों को चेंज करने पड़ रहे हैं, कुछ चीज़ें आप लोगों को बदलनी पड़ रही हैं। इस वक्त अपनी लाइफ से आप बहुत ज़्यादा नाखुश हो, थोड़ा सा हर्ट भी हो, परेशान भी हो, दुखी भी हो, मुझे सारी चीज़ें यहाँ पर एट द सेम टाइम नज़र आ रही हैं कि कुछ लोगों की लव लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ लोगों के करियर में भी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपने शायद कहीं पे अपना मनी इन्वेस्ट करा और वहाँ पर आपका लॉस हो गया। तो यस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अभी आपके सामने एक चुनौती है, चैलेंज है, वो ये कि अब आपको एक नई शुरुआत करनी है, लेकिन कैसे करनी है, क्या सबसे सही रहेगा, क्या सबसे बेस्ट रहेगा, कुछ लोगों को यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा, अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है ये नहीं समझ में आ पा रहा। तो यस, यहाँ पर कुछ कुछ कोशिश चल रही है, कुछ कुछ कोशिश अब आपको करनी है, आपको उन चीज़ों से अब उभरना है, आपको उन चीज़ों से अब बाहर निकलना है। ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ, जो हर्ट हुआ है आप लोगों को वो यहाँ पर आपको हील करना है, कुछ चीज़ों को यहाँ पर लेट गो करना है, रिलीज करना है अपनी लाइफ में से। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है आपके लिए, कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज। ऑप्शन टू, सेवन ऑफ वॉन्स, एस ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ वॉन्स एंड द हैंग वूमेन। यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। सो देखो ऑप्शन टू आप लोग के लिए मिक्स्ड एनर्जीज है नेक्स्ट 7 डेज में। 7 ऑफ वॉन्स यहाँ पर कार्ड बता रहा है कुछ स्ट्रगल के बारे में, जैसे मैंने कहा कि अब आपको एक नई शुरुआत करनी है, एक नए सिरे से आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। सो ये नई शुरुआत करने में कुछ कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, आपके पास कोई नई स्ट्रेटजी है, कोई नया आइडिया है, अपने ऑफिस में आप
कुछ कुछ नया करना है, कुछ नई सिरे से आप लोग को शुरू करना है, तो उसमें कुछ कुछ यहाँ पर चैलेंजेस आ रहे हैं, है ना। कहीं नई जगह आपकी ज्वाइनिंग हुई है, न्यू ऑफिस है, न्यू एनवायरनमेंट है, या अब जॉब से आप लोग बिजनेस पे शिफ्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग तो है आप लोगों के लिए, एक नई शुरुआत तो यहाँ पर है आप लोगों के लिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कुछ चैलेंजेस यहाँ पर आपके सामने आ रहे हैं। और ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर कि पास्ट के कुछ लोग हैं जो जैसे आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जिनकी वजह से कुछ यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, आपको अपोज कर रहे हैं, आपसे डिसएग्री कर रहे हैं, तो सबको कन्विंस करना, सबको मनाना, अपने पॉइंट को प्रूव करना, अपने लिए स्टैंड लेना, ये कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपके लिए रहने वाली हैं। सो ऑफ कोर्स अपने आप में ही यहाँ पर एक नई शुरुआत बता रहा है, और स्पेशली आपके करियर में, है ना, करियर में आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, एक नए सिरे से अपने काम को शुरू कर रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी बता रही है कि सी आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस पूरे हफ्ते में एनर्जेटिक रहने वाले हो, काम पे आपका फोकस रहेगा, एक्टिव मोड में आप लोग रहोगे, एक्शन मोड में आप लोग कहीं ना कहीं रहोगे, और अपॉर्चुनिटीज भी आपकी तरफ आ रही हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आपको आगे किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरफ जाना है, आपको ये भी समझ में आ रहा है, आपको नए नए आइडियाज़ यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ लोग आपको कुछ एडवाइस कर रहे हैं, कुछ लोग आपको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, आप किसी से आई डोंट नो, लेकिन शायद यहाँ पर कुछ लोग अपनी करियर काउंसलिंग ले रहे हैं, या आप किसी से डिस्कशन कर रहे हो। ऐसा नहीं कि केवल प्रोफेशनली किसी से काउंसलिंग ले रहे हो, किसी घर में बड़े हैं, आपके वेल विशर हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनसे अपनी चीज़ें डिस्कस कर रहे हो, तो यहाँ पर कुछ कुछ जो सोल्यूशन है वो निकल कर आ रहा है। लेकिन सी ऑप्शन टू यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे हैंग वुमेन की एनर्जी है, चीज़ें इतनी ईजी नहीं होंगी, ठीक है ना। कभी 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 हम सोच लेते हैं कि सब कुछ ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, लेकिन चीज़ें इतनी इजी नहीं होंगी, थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक तपस्या के तरीके से आपको करनी पड़ेगी, एक वो मेहनत है, एक वो लगन है, एक वो डेडिकेशन है, लेकिन जब ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आपको रिजल्ट भी बहुत मिलेंगे। साथ में ये और मैसेज यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन टू कि देखो जो होना था वो हो गया आपकी लाइफ में, अब उस चीज को लेकर बैठे मत रहो, अब उस बात को पकड़ कर बैठे मत रहो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में और अपने आप को हील करो। आपके अंदर बहुत गुस्सा भी है समहाउ, मुझे ये नजर आ रहा है, एग्रेशन है, गुस्सा है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सी अपने आप को हील करो, ऑप्शन टू, उन चीजों से बाहर निकलो, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है ऑप्शन टू। सेक्रीफाइस नंबर 12, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नंबर 9, ओके एंड सक्सेस। सो ऑप्शन टू यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई देखो कुछ कुछ चीज़ों में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज़ें हम जैसे चाहते हैं ना वैसे नहीं होती हैं, हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, है ना। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए कहा जा रहा है कि सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, लेकिन यस ऐसा नहीं है कि आपको खुशियाँ नहीं मिलेंगी, आपको आगे जाके खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी। कुछ लोगों ने ना कुछ खोया है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो आपका खोया आपको वापस ज़रूर मिलेगा, लेकिन शायद किसी और तरीके से मिलेगा। अभी फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, साथ में यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। सो आपको शक्ति, आपको जो हिम्मत मिलेगी वो आपकी स्पिरिचुअलिटी से मिलेगी। सो ध्यान ज़रूर करो, मेडिटेशन ज़रूर करो, जाप ज़रूर करो, डिवाइन से कनेक्ट करो, ईश्वर की जो एनर्जी है उससे कनेक्ट करो, वहीं पर आपको वो पीस ऑफ माइंड मिलेगा, वो सुकून मिलेगा, वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और थोड़ा सा यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों में ना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ों के लिए आप मेहनत कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, दैट इज़ ओके, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। कहते हैं ना कि समय सब कुछ ठीक कर देता है, तो वही यहाँ पर एनर्जी है कि थोड़ा सा आपको इस वक्त थोड़ा सा आपको अपने आप को संभालना है, थोड़ा अपना ज़्यादा इस वक्त ख्याल रखना है, धीरे धीरे समय के साथ जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। ये एस ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पर एनर्जी आप लोगों के लिए, और कहा जा रहा है कि देखो ये एक्शन लेने का समय है, ये एक जगह बैठकर रोने का, टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है, ये एक्शंस लेने का समय है, ये कुछ करने का समय है, ये आगे बढ़ने का समय है, ये खुद को प्रूफ करने का समय है। तो अपना टाइम जो है वो आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, अपना एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है, और
अपने दिन को आप किस किस तरीके से ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो, इस चीज के ऊपर आप लोगों को अपना ध्यान जो है वो देना है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन टू। ऑप्शन टू, खुद ही आपके लिए कार्ड्स गिर रहे हैं। हॉस्टिलिटीज, कॉन्फ्लिक्ट एंड अनरेस्ट। बहुत सारी चीजें चल रही हैं भाई, जैसे आपने सोचा चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, चीजें बहुत ही अलग हुई, वर्स्ट हुई। इस वक्त काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो, परेशान हो अपनी लाइफ में, लेकिन बस देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम आगे बढ़ते चले जाओ, तुम्हें रास्ता मिलता चला जाएगा। ठीक है ना। और यस, कुछ लोगों का हो सकता है कि यहाँ पर ध्यान में भी मन नहीं लग रहा हो बिल्कुल, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि देखो ध्यान करो, अपने मन को जितना ज्यादा आप शांत रख सकते हो उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर ध्यान नहीं कर पा रहे, डीप ब्रीदिंग आप करो, या सपोज कोई अच्छा म्यूजिक सुनने से आपको अच्छा लगता है तो आप वो म्यूजिक सुनो, आपको नेचर में वॉक करने से अच्छा लगता है वो करो। सो ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। मैंने कहा ना आपके अंदर बहुत ही गुस्सा है, एग्रेशन है किसी के लिए, इस वजह से बहुत ज्यादा एक अनरेस्ट वाली सिचुएशन है यहाँ पर, बेचैन जैसे यहाँ पर हो रहे हो थोड़े से। हाँ, परेशान से हो रहे हो यहाँ पर इस वक्त में, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, ऐसे दिमाग में चल रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा वेट करो, है ना। हीलिंग ऑफ द हार्ट का यहाँ पर कार्ड है, अपने आप को हील करो। मैंने आपको पहले ही कहा कि अपने आप को हील करो, ऑप्शन टू। और सेम मैसेज यहाँ पर है, पावर ऑफ सेल्फ लव। सेल्फ लव में बहुत ताकत है, सेल्फ लव से आप लोग हील होते हो। एक बुक है, यू कैन हील योर लाइफ, मैं पहले भी काफ़ी बारी इसके बारे में बता चुकी हूँ, तो आप लोग उस बुक को ज़रूर पढ़ो, आपको वो पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, आपको सेल्फ लव के बारे में पता चलेगा और आप कैसे अपने आप को हील कर सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी आप लोग चाहो तो होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हो, वो भी आप लोगों के लिए काफी अच्छी रहेगी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है, अपने आप को हील करो। ठीक है, आप लोग चाहें तो क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। सी, जब लाइफ में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस कोई बता दे क्या करना है, सो क्लियर क्वार्ट्ज आपको लाइफ को अलाइन करने में हेल्प करता है, या आपको लाइफ में क्लैरिटी देने में हेल्प करता है, तो आप क्लियर क्वार्ट्ज वेयर कर सकते हो। और आई थिंक ये तो एक ऐसा स्टोन है जो हर किसी को वेयर करना चाहिए, ये हर किसी को सूट करता है। सो यस, आप क्लियर गॉड्स वेयर कर सकते हो। लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में दे दूंगी, तो वहाँ से आप अपने लिए परचेज कर सकते हो। और देखते हैं यहाँ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, फिर लास्टली आपकी हेल्थ के लिए देखेंगे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सो ऑप्शन टू, यहाँ पर आप बहुत ही नज़दीक हो अपने गोल्स को अचीव करने के, तो यहाँ पर गिव अप नहीं करना है, यहाँ पर हिम्मत नहीं हारनी है, यहाँ पर नहीं टूटना, यहाँ पर नहीं घबराना, यहाँ पर अपना, मैंने कहा ना अगेन वही कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपने आप से बहुत सारा प्यार करना है, तो वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। कॉमेंट में टाइप करो आई लव माई सेल्फ, और ये केवल ऐसा नहीं कि टाइप कर देना है, आपको उसको फील भी करना है, खुद को बोलना है कि यस आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है ना, एक एकदम के साथ आवाज में आपको खुद से बोलना है ये। ठीक है, सी कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे बोलने से क्या डिफरेंस आएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, यही तो आपकी माइंड प्रोग्रामिंग है ना, आप ऐसे ही तो अपने आप को माइंड प्रोग्रामिंग करते हो धीरे धीरे। तो यस, यहाँ पर बेबी बेबी स्टेप्स लो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ो, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मैंने कहा ना कि जो होना था वो हो गया, अब आप उस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचें, क्योंकि अब आप उसके बारे में जितना ज्यादा सोचो कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आप उतने ही ज्यादा परेशान हो रहे हो, अब आप वहां कुछ भी नहीं कर सकते, अब आपको आगे ही बढ़ना है अपनी लाइफ में, अब आपको आगे ही देखना है अपनी लाइफ में, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। एक नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, ऑप्शन टू, और इस अंधेरे से बाहर निकलो। ठीक है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो यहाँ पर अगेन वही मैसेज है कि विश्वास रखो, आपके सपने जो हैं वो जरूर पूरे होंगे, अभी नहीं हुए तो जरूर पूरे होंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आपको टाइम लगेगा लेकिन पूरे जरूर होंगे, विश्वास रखना है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ते जाना है अपनी लाइफ में, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। लास्टली देख लेते हैं हेल्थ के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन टू, कनिशा,
फोर्स एम्पावरिंग रूट चक्रा। तो देखो रूट चक्रा ना हमारा स्टेबिलिटी का चक्रा होता है, और अगर मैं आपके लाइफ की बात करूँ तो इस वक्त लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जैसे हिली पड़ी हैं, स्टेबल नहीं है। मतलब क्या है, रूट चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं। तो यहाँ पर मैसेज क्या है, अपने रूट चक्रा को बैलेंस करो, अपने रूट चक्रा को एम्पावर करो। तो उसके लिए आप एक तो रेड कलर के फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, वो आप कंज्यूम करें, ठीक है, और अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करें। सो अगर यहाँ पर कुछ लोगों को इश्यूज भी आ रहे हैं, जॉइंट पेन हो रहे हैं या बोन्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी अगर यहाँ पर ऐसे इश्यूज हैं आपके लोअर बॉडी से रिलेटेड भी, देन वो भी यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएंगे धीरे धीरे। अरे उन्होंने कुछ लोगों को इन्फेक्शंस, मुझे ऐसे वर्ड सुनाई दे रहा है, थोड़ा सा आपको इस चीज़ का अपना अपना ख्याल रखना है, ठीक है, और अपने रूट चक्रा के ऊपर यहाँ पर काम करो। डेली बेसिस पे थोड़ा सा वर्कआउट एक्सरसाइज ज़रूर करो, उससे भी आपका रूट चक्रा जो है वो बैलेंस होता है, ठीक है। और ये केवल ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट 7 डेज ही आपको फॉलो करना है, ये आपको फॉलो करते रहना है, ठीक है। पुट योर बेस्ट टी फॉरवर्ड। तो देखो यहाँ पे हर्बल टीज की तरफ आप लोग जाओ, नॉर्मल जो कैफीन वाली टी रहती है उसको अवॉइड करो, और कुछ हर्बल टी, कुछ लिक्विड्स अपनी लाइफ, अपनी डाइट में, अपनी लाइफ में इंक्लूड करो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, ओके। सो आपको अपना ही ख्याल, देखो ऑप्शन टू में आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमें ना अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है, ठीक है ना। हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करते हैं, हम चीज़ों से एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, लेकिन यही ज़िंदगी है और यहाँ पर फेजेस आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। तो अपना ख्याल रखो, सब ठीक भी हो जाएगा एक दिन, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए कही जा रही है, ओके। सो ऑप्शन टू ये है आप लोगों की रीडिंग। ज़रूर बताइएगा कैसे लगी, एंड रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, सो आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। लाइक ज़रूर करें, अपना कोई भी पॉजिटिव कमेंट ज़रूर लीव करें। और बाकी क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर पर्सनल रीडिंग आप लोग अपने लिए बुक करना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। टैरो रीडिंग्स अभी ऑफ हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो अपने लिए बर्थ चार्ट एनालिसिस बुक करवा सकते हैं, ओके, ऑप्शन टू। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।